आप देखिए ना इतिहास उठा के, शराब और राजतंत्र का चोली दामन का साथ रहा है। प्रदेश और समाज एके, पे कुछ एके, कहूंगा एके, तो मैं ये कहना देखिए, चाहता हूं एके कि भारतीय सबसे जनता हैरानी की पार्टी, बात क्या है मैं आपको भारतीय बताता हूं। जनता पार्टी, अरे साहब आप सब लोग गणमान्य व्यक्ति हो, अब आप उपमा भी ऐसा क्यों दे रहे हो कि जिसका एक द्विअर्थी वो निकल जाए। एके को ले आना बेहद जरूरी है। एके मुझे ये बताइएगा, प्रधानमंत्री बोले, जम करके बोले, ये भी कहा हमें सपूत चाहिए या सबूत चाहिए, इसका फैसला आपको करना चाहिए, देश के लिए सब कुछ मैं दांव पर लगा दूंगा, चौधरी को भी याद किया, बेटी को भी याद किया, साथ ही ये भी कहा कि मैं चौकीदार हूँ, वफादार होता है, ईमानदार होता है, हिसाब दूंगा भी, हिसाब लूंगा भी। क्या इन सभी शब्दों के जरिए जो आठ का ठाट है, जिसको मैं आठ का ठाट की संज्ञा दे रहा हूँ, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा क्या? गेम चेंजर ये सारे शब्द साबित होंगे क्या? क्या शराब के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेम चेंज होगा? राशिद देखिए मैं बताऊं, एक तो जरा ये देखिए, पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं या राजनीति का असली चेहरा आज सामने आया है, मैं क्षमा के साथ बोलूंगा। आप देखिए ना इतिहास उठा के, शराब और राजतंत्र का चोली दामन का साथ रहा है, तो वो चीजें खुल के पक्ष और विपक्ष दोनों, भाई किसी ने एग्जाम्पल भी दिया तो उसी चीज का दिया, तो कहीं ना कहीं वो लेटेंट सुसुप्त अवस्था में वो था, वो चीजें आ गई और विपक्ष ने क्रिया प्रतिक्रिया भी वैसे ही अरे दी। ये क्या बात कर रहे हैं आप, एके नहीं, ये हजारों सुसुप्तावस्था साल से में, बिना बिना शराब सुसुप्तावस्था के में, राजनीति नहीं पूरी हुई है। आए बाप रे आप बाप, उठा के वर्ल्ड हिस्ट्री, कौन सा अरे ऐसा राजतंत्र रहा है सुसुप्तावस्था चाणक्य से में, लेके बीजेपी की बिना शराब के सुसुप्तावस्था में राजनीति पूरी हो गई आप तो हो? ऐसा इशारा कर रहे हैं कि राजनेता बीजेपी की के साथ मिश्रा सुसुप्तावस्था में दिया, शराब मैं हो रही है नेता, क्या? मैं नेता, आप मैं उनके नेताओं की बात कर रहा बोलिए, हूँ, पक्ष विपक्ष दोनों की। किस अच्छा, एक ने राजनेता के नशा साथ की आपने बात बैठकर की, शराब पी, एक एक ने मिस्टर राजीव शराब मिश्रा की। जी देखिए मैं आपको मिस्टर बता राजा बात ना दूं, करिए, हाँ अभी मैं पूरे 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 पर मैं जब इल्जाम लगाने बैठूंगा तो आपको परेशानी भी होगी। आज आपने ठीक है, किस राजनेता को लारी शराब साहब आप पीकर, क्या बोल जी रहे हैं, आप हमारे बैठकर खिलाफ बोल शराब रहे हैं, पी, किसके आपको खिलाफ बता बोल दी रहे हैं? लारी जी रुक जाइए, भाई लारी जी रुकिए, वो देखिए लारी लारी जी पास साहब ने बोला, आपने मजबूता बोला, पूछा आपने मैं किस ठीक राजनेता है, को शराब हम बिल्कुल पिलाया होश था, वाली डिबेट कर रहे शराब हैं। को मैंने दिया खोजा कि तो मैं शराब के शराब राजनीति को हाँ खोजा तो फिरा तो पक्ष विपक्ष चाहूं आपने और ये कैसे कहा अब कि आप शराब समझ पीने लो से जाकर के राजनीति इसका होती है? मतलब। हाँ क्या अखिलेश जी शराब पीते हैं? अरे हमने मैं कहा यही बोला कहता शराब शराब पीते हैं? पीते मैं कौन से मैं पीने वाले शराब की बात कर रहा शराब हूं, पीते थे मैं सत्ता के जी नशे की शराब बात कर अरे रहा हूं, लारी जी सत्ता में पत्रकार से नशा भेज रहे लाता है हैं, क्या लारी जी पत्रकार आप से अभी भेज नशे रहे हैं, की बात कर रहे हैं जब बता भांग रहे की, हैं तो क्या क्या कुछ भी शराब बचाना खाते रहने को हो हर भांग बात हो गई, कुछ भी बचाना, खाते हैं आप भांग की हाँ बात कर रहे थे, कुछ भी बचाना कहने को हर अरे बात हो सबसे गई, बड़ा नशा तो सत्ता में होता है, हाँ कुछ भी बचाना कहने को हर बात हो गई, आओ चलो ये शराब जितने पिए रात उदाहरण हो गई, आप लोग दे रहे हो ये कुछ सत्ता भी के बचाना नशा के कहने को हर प्रभाव बात है, हो गई, आओ चलो पक्ष शराब पिए विपक्ष रात हो दोनों गई। की बात कर रहा हाँ हूं। एक मिनट रुक जाइए, एक एक बात में चलते हैं कि प्रैक्टिकली मुझे समझाइएगा, ये जो ऐसे क्लिशे, मुहावरे, लोकोक्ति इस तरह से जो गढ़े जाते हैं या नारे, देवकांत बरुआ ने गढ़ दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये देवकांत बरुआ का बड़ा बड़ा फेमस सा ये गढ़ा हुआ नारा था, या जैसे ये चौकीदार, या फिर इस तरह के जो क्लिशे होते हैं, क्या चुनाव में ये फायदेमंद साबित होते हैं? क्या ये किसी चुनाव में शब्दों को वोटों में तब्दील करने की ताकत रखते हैं या नहीं रखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त ताकत रखते हैं वोटों में तब्दील करने की, इसका निगेटिव इंपैक्ट भी होता है। मैं अच्छा एक छोटी सी बात को मैं क्लियर कर लूं, देखिए क्या है, मैंने कोई मुहावरा या उपमा या यमक अलंकार किसी राजनेता के लिए नहीं दिया है, पक्ष विपक्ष के ही दे रहे हैं। कहने का मतलब आप जिस माहौल में रहते हो, जो विचार है वो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में पड़ा रहता है, वही आपकी जबान से निकल जाता है, आप सोचते भी हो गढ़ते भी हो। देखिए होता क्या है, कोई भी एक शब्द एक लाइन का मुहावरा ये होता है गागर में सागर भरना, उसी चीज को आप भाषण के रूप में एक्सप्लेन करिए, वो उतना थ्रिलिंग, उतना अपीलिंग, उतना इंपैक्ट डालने वाला नहीं होता है। आपने एक लाइन का मुहावरा बोल दिया, कोई छोटा सा शब्द बोल दिया, वो बड़ा प्रचलित हो जाता है, उसमें कुछ नयापन होता है, लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और ये पॉलिटिकल क्यूज का बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल होता है। लोगों का ध्यान, पहला स्टेप होता है लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, फिर उसको ट्रिगर में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं, ताकि वोटिंग वाले दिन जाकर के वो वोट अपना डालें, उसको जो है जो पॉलिटिकल क्यूज, जो लोगों के अंदर रोमांच पैदा हुआ है और रोमांस भी पैदा हुआ है अपने नेता को लेकर के, वो वोट में परिवर्तित हो। लेकिन दुख की बात क्या है, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले अभी यहीं पे डिबेट हुआ था, नोएडा में ऐसी उपमा दी गई थी। अरे साहब आप सब लोग गणमान्य व्यक्ति हो, अब आप उपमा भी ऐसा क्यों दे रहे हो कि जिसका एक द्विअर्थी वो निकल जाए। हाँ डबल मीनिंग वाली आप उपमाएं क्यों दे रहे हो? आपके पास सारे नेताओं को मैं बोलता हूं, स्पेशली बीजेपी आरएसएस के लिए
शब्दों की कमी हो गई क्या जो नोएडा में आपने ऐसा बोल दिया? या तो आप मान लीजिए कि आपके पास ज्ञान की कमी हो गई, जितना ज्ञान का भंडार था वो 5 साल में खत्म हो गया, सारी डिक्शनरी खत्म हो गई है, और यही चीज विपक्ष के लिए है। मान लीजिए शराब बोला गया तो आपने नशा बोला, प्रत्युत्तर आपने दिया, अच्छा दिया, लेकिन जहां पे द्व्यर्थी चीजें होती हैं हम लोगों को, देखिए सफलता अगर आप बुरे तरीके से बुरे मतलब से ले, सेहत के लिए ठीक नहीं होती, वैसे विचारों का ताल जो है ना मिलना भी ठीक नहीं होता, प्रदेश और समाज पे कुछ एके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में जितने भी नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, हमारे इनके जितने गुरु रहे हैं, मैं बोलता हूँ बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता कौन हुआ, लोहिया जी से बड़ा नेता कौन हुआ, कौन समाजवादी हो गया? ये लोग अपनी ही मान्यताओं को, अपने बताए हुए गुरुओं का जो मार्गदर्शन है, सिद्धांत है, उसको तोड़ रहे हैं। इन लोगों ने इतनी अच्छी राजनीति की, एक भी अपशब्द अटल बिहारी का तो मुझे कहीं पे भी याद नहीं आता है कि उन्होंने ऐसी उपमा भी दी हो। उन्होंने बोला था कि अगर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा मुझे लेना पड़े तो 1 रुपया भी मैं चिमटी से नहीं छूंगा, उपमा वो भी दे रहे थे। लोहिया जी ने कितनी अच्छी उपमाएं दी थी, उनकी क्या कल्पनाएं थी। अगर वो लोग आज होते ना, बोलते हमारे शिष्य ऐसे ऐसे उपमा दे रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के शब्दकोश को क्या हो गया। सर, भारतीय राजनीति के गिरावट का ये चरम मैं देख रहा हूं। अभी पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, अभी 2 महीने बाकी है, आगे आके देखिए होता है क्या। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन अब तो बहुत नजदीक है, अब तो बयानबाजी का दौर भी शुरू होगा। 2 महीने पूरा यही चलेगा, हमने चर्चा भी